Oh, yeah. थारे संग आ रही है और तू बिल्कुल ही एक्सप्लेनेशन देता हुआ आ रहा है, गिल्ट में भरा हुआ, पर करा था ने कुछ भी ना है फिर भी। ओ ये ये। अरे मैडम, पुलाव की दावत देने से पहले एक बार प्रेशर कुकर में झांक के देख तो लीजिए कि उसमें पुलाव पक रहा है या आलू उबल रहे हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? प्रेम चोपड़ा। थारा नाम प्रेम से? नहीं नहीं, प्रेम नाम उनका, उनका जो होने वाले हैं मेरे सैया, जो पार लगाएंगे हमारे जीवन। मुझसे रूट गए बेदर्दी बलमा। अबे सुसरी, मैं थारा नाम पूछ रही हूँ, बिल्कुल ही मोहल्ले वालों का बताए ले रही है। मैडम, मेरा नाम है प्रेमिका। ओहो सदके जामा, उसका नाम प्रेम, तुम्हारा नाम प्रेमिका, वाओ। जब आप दोनों की शादी होगी तो बच्चों का क्या नाम रखोगी? प्रेम का फल या प्रेम का परिणाम? ओह ये। एक काम कर, पुलिस की तो रहन दे नौकरी तू। थारे से हो कतई ना रही है, तू एक दुकान खोल ले सोप ना, उसमें जो है किताबें बेच, नेम्स ऑफ चिल्ड्रेन्स, न्यूली बोर्न्स, अनबोर्न्स। सॉरी सॉरी मैम। क्या कर रहा है थारे प्रेमी ने? मैडम, वो प्रेम जिससे मेरी शादी तय हुई है, वो प्रेम मुझसे प्रेम ही नहीं करता। अबे जब वो ना कर रहा है प्रेम, तो तू क्यों जीना दमान हुई डोल रही है उसके पीछे? Yes! छोड़ दे, उसने शादी ना कर उससे। उफ उफ, हाय हाय, करनी पड़ेगी मैडम। वो क्या है, मेरे पिताजी ने उनके साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है मैडम, मगर वो जालिम निष्ठुर कठोर सुनता नहीं मेरे दिल का शोर। मैडम आप उसको बुलाकर उसको समझाओ। मैडम ये मेरे जीवन का सवाल है, मेरी उमंगों का उबाल है मैडम। उफ उफ, हाय हाय, कुछ तो करिए ना। अबे व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस, बुलवाओ इसके प्रेमी ने। नमस्कार भाई और बहनों, मतलब कि नमस्कार मैडम, मेरा नाम प्रेम है। पन्ने उलट गए भाई, शुगर मना कि पन्ने सिर्फ अभी उल्टे हैं, कहीं फट ना जाए सारे पन्ने। वैसे तुमने ये लगा क्या रखा है यार, इस प्रेम की प्यासी, मेरा मतलब है इश्क की दासी, मेरा मतलब है इस लड़की से तुम प्रेम क्यों नहीं कर रहे हो यार? Yes! बोलो बोलो प्रेम, कुछ तो बोलो। बोलो भैया बोलो। अरे सारे सुर नाक से निकल रहे, एक भी सुर गले से या नाभि से नहीं निकल रहा है, और आप कह रहे कि प्रेम कीजिए इसे। और सुनिए आप, ये प्रेम जो है ना, वो कोई दंत मंजन नहीं कि जब जी चाहे घिस लो। दांत उखड़ गए मेरे, मतलब के पन्ने उलट गए। अरे यार मैनू एक गल समझ में नहीं आती, एक कुड़ी तुमसे प्रेम करना चाहती है और तुम ना कह रहे हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, मैं तो कभी ना करता। तुम्हारी जगह मैं होता भाई, जिसकी जगह ऊपर होनी चाहिए इस उम्र में ना, वो फिर भी अभी तक जो है चौकी में मजे ले रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ा चंबा है ये, बड़ा कमंडल ले, माला टांगले में, और धोती ऑरेंज कलर की पहन के हिमालय पे जा, थैंक द लॉर्ड कर। वहां होता यहाँ होता इसकी जगह। कैरी ऑन। हाँ यार देखो, ये तो वही बात हो गई कि रोटी सीखने के लिए तैयार, लेकिन तुम हो के प्यार के तवे को उतारे बैठे हो। अरे भाई साहब, जितनी रोटी सीखनी थी उतनी इनके पिताजी ने ऑलरेडी सेक ली है, पन्ने उलट गए। कंफ्यूजन। पिताजी ने सिड़ाओ, बुड़ाओ सिड़ाओ सिड़ाओ। क्यों, वो भोजनालय चलाते? नहीं, वो संगीतालय चलाते, पन्ने उलट गए। देखो यार, जो भी है जरा खुल के कुल्ला करो। मेरा मतलब है कि जो कुछ कहना है जरा खुल के कहो यार। वो क्या है कि हमारी मैडम का दिमाग एक बार भन्ना गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की बहती बरसात की भूखी नागिन से। ओह ये। मेरा मतलब है सूखे तालाब की प्यासी मगरमच्छी। मेरा मतलब है कि बहुत ही गुस्से वाली है यार, तुम बोलो। टाइम प्लीज। हा 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 हा।
थैंक यू वेरी मच सर, चाचा जी बहुत ही बोलते थे। देखिए मैडम, हुआ ये था कि मैं इनके पिताजी के पास, जो कि एक संगीत विशारद, सॉरी मैं शायद इंसल्ट कर रहा हूँ, जो कि एक संगीत मास्टर है, उनके पास मैं शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए गया था। तो उसने तैने के रॉक म्यूजिक सिखा दिया? रॉक नहीं मैडम, राग। मेरे सारे अरमान राख कर दिए, मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। मैडम जब ये संगीत की शिक्षा मेरी पूर्ण हुई, तब मैं इनके पिताजी के पास गया और कहा कि गुरुदेव कहिए मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? तो उन्होंने क्या मांगा पता है आपसे? क्या मांगा? अंगूठा? अंगूठा नहीं, साइन। इनके पिताजी ने मेरे मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और कहने लगे कि इन पे साइन करो। मैडम वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के तो है ना मेरे पन्ने उलट गए। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं उनकी इस बेटी के साथ शादी करूंगा और बाकी तीन बेटी हैं उनके साथ भी शादी करूंगा, मतलब कि उनकी शादी करवाऊंगा, उनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये सुन के तो मेरे पन्ने उलट गए। ये तो घनी गलत बात है चंद्रमुखी जी, मैं इस आदमी का साथ दूंगा। उस गुरु ने गुरु दक्षिणा के नाम पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर गुरु शिष्य के परंपरा पर कलंक लगाया है। Yes! Sir, for a change, you are right. Thank you. भाई बोलवा उस गुरु ने, हम भी तो देखे कौन है गुरु भाई। Hey! कैसी लगी? अच्छा 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 अच्छा, तो आप है इस प्रेम के गुरु और प्रेमिका के पिता। By the way, गुरुजी आपका नाम क्या है? हम हैं जुल्फी महाराज, सन ऑफ कुल्फी महाराज, सुर के सरावते से ब्रिलियंट। और ये है हमारे लेटेस्ट शिष्य एंडरसन फ्रॉम पमेला। मेरा मतलब पनामा। ओह यस ट्रेमेंडस। अबे क्या सुन रही हूँ मैं? ठुमरी। आपने जो अभी अभी सुना है उसे ठुमरी कहते हैं। संगीत के जंगल में सुर के कौवे रहते हैं, सुर के सरावते से। देखिए एक कंप्लेन आई है कि आपने गुरु दक्षिणा के नाम पर इस प्रेम से, बड़े प्रेम से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया है। हमने कराया है साइन एक कॉन्ट्रैक्ट, पर इस बात पर आप लोग क्यों कर रहे हैं इतना रिएक्ट? अबे तैन आपने सरोते से इसकी जिंदगी के पर जो काट दिए। हाँ गुरु दक्षिणा के नाम पे कोई ऐसा खेल खेलता है अपने शिष्य के साथ? बताइए। देखिए ये गुरु शिष्य की परंपरा है, निभानी तो पड़ेगी। अब गुरु दक्षिणा दी है तो परिवार की जिम्मेदारी उठानी तो पड़ेगी। हमने भी निभाई थी, हमारे गुरु ने इसी तरह अपनी बेटी हमें टिकाई थी। हमारी पत्नी तो इतनी भयानक थी कि उनके नाम से लोग डरते थे, उनका चेहरा देखकर लोग चीख पड़ते थे। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता। तो ठीक है तुम भी ये फोटो देख लो और खड़े खड़े अपनी आंखें सेक लो। तुम पागल हो क्या? ऐसे रिएक्ट करते कोई? डायनोसर देख लिया क्या तुमने? कमाल है। Old man's finally died. बड़े बदतमीज किस्म के आदमी हैं आप? सैडिस कहीं के? जो आपके साथ हुआ वही आप इनके साथ करना चाहते? देखिए हमने भी ये परंपरा निभाई और गुरु दक्षिणा के नाम पे किया ये सौदा, अपने गुरु की बेटी से की शादी और चार चार बेटियों को किया पैदा, सुर के सरावते से। हार्ट रेंचिंग। मैडम मुझे तो लगता है कि ये बेचारा इनके जाल में फंस चुका है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया मैडम, अब क्या? ठीक है हम चलते हैं, हमारे संगीत का एक प्रोग्राम है जो आज शाम है,
सुर के सरौते से हाय। एक्सीलेंट बेटी प्रेमिका चलो हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। मैडम मैडम ये सुन के तो मेरे पन्ने उलट गए मैडम। लगता है अब मुझे ना इसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी और इनके सारे परिवार की जिम्मेदारी जिंदगी भर उठानी पड़ेगी। भाई गुरु शिष्य परंपरा है निभानी तो पड़ेगी। ओ पंजाबी उठ। हाँ जी जी मम्मी जी। सुनीप के करना है पहले जो है बिल्कुल सरलॉक होम हो ले तू बिल्कुल ही जो है च्युइंगम चबा ले गला खोंच ले तू बिल्कुल ही। रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो रहा है। ओके अभी बात पूरी हुई नहीं है। ओके अंतर्यामी है तू। आई अंडरस्टैंड। अरे मैडम आपको फोटो देख के कुछ नहीं हुआ? मैं रोज तुम लोगों की शक्लें देखती हूँ। आई एम यूज्ड टू। चलो चलो काम पे लग जाओ। चलो ये साफ ऑफ करा लो। ए, हो गया कंप्लेन। चलो निकलो काम पे चलो। हाँ जी जी मगर सर पामगर सर पामगर सर। अरे मगर ऐसा। अरे अरे स्टॉप प्लीज। कौन हो तुम? हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो? दिन के वक्त कल्याण क्यों गा रहे हो सुर के सरौते में? हाँ ब्रिलियंट। गोरखपुर में तूने ही गाना गाया था ना? हाँ हाँ। क्या तुम्हें पसंद आया था? तेरी पसंद की ऐसी की तैसी। तेरा गाना सुन के मेरा बाप कोमा में चला गया। मेरी मैरिड लाइफ इन्वर्टेड कोमा में चली गई। मेरी बीबी ने गुस्से में आके मेरा स्कूटर जला दिया। अच्छा अच्छा तो आप यहाँ स्कूटर लेने आए हैं? मैं स्कूटर नहीं तेरी खबर लेने आया हूँ। मैडम मैडम सुर के सरौते से अरे क्या हो गया गुरुजी? किसने कर दी वो पिटी सी हालत? हाँ मैडम ये गुरुजी को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन्हें तबला समझ के धुन दिया है, ढोलक समझ के फोड़ दिया है, या गिटार समझ के तोड़ दिया है, या सितार समझ के झंझोड़ दिया है। हाँ जी जी मम्मी जी लगता है गुरुजी को ना किसने चंगी तरह पीटा है जी। क्या हो गया गुरुजी? किसने पीट दिया आपको? ये तो आपको लगाना है पता। हम पीट गए हमारी क्या है खता? सुर के सरौते से ब्रिलियंट। कोई नहीं है पुरानी दुश्मनी हमारी कभी किसी से नहीं ठनी तो काहे की दुश्मनी। सुर के सरौते से एक्सेप्शनल। तो क्या उसने तुम्हें ऐसे ही पीटा? हमें ऐसे वैसे जैसे तैसे पीट गया। हम हार गए और वो जीत गया सुर के सरौते से एस्टोनिशिंग। अरे लेकिन ना उसने कही तो होगी कि बात इज द रीजन कि क्यों पीट रहा है। पीटते वक्त कुछ बोला नहीं उसने? हाँ उसने हमसे पूछा
कि गोरखपुर के प्रोग्राम में हमने गाया था? हमने कहा हाँ? हमारा गाया तुम्हें भाया था? सुर के सरौते से हाँ? Fantastic. मैं चुपना. तो उसने बताया कि उसे भाया था? उसने बोला हमारा गाना सुन के उसके डैडी कोमा में और मैरिड लाइफ इन्वर्टेड कोमा में. भाई उसने ये भी तो कहा था ना उसकी बीवी ने उसका स्कूटर चला दिया था. हाँ. आपको कैसे पता? अबे अंदाजा. पुलिस वाले हैं, इतना अंदाजा भी ना लगा पाएंगे तो क्या फायदा है. अरे ये कैसा है कायदा, इतना मारा कि दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा सुर के सरौते से. अमेजिंग. आओ अमेजिंग हिप्पी कम यार. देखिए गुरुजी आप फिकर मत कीजिए, आप पर जिसने भी हमला किया ना हम उसे ढूंढ निकालेंगे. हाँ करेक्ट. ई बाप घर जाके जो है हल्दी वाला दूध पी कर रेस्ट करिए जरा, रेस्टिंग. अरे नहीं नहीं, हमारा आज शाम मुरादाबाद में है प्रोग्राम सुर के सरौते से. ओवे गुरुजी चलते. एक मिनट भाई, ये भाई वो गिफ्ट लेके जाइए आप, गिफ्ट एज ए बेस्ट ऑफ लक गुड विश. पौधा सुर के सरौते से. चलो मैडम पन्ने उलट गए. हाँ आप क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हाँ मैडम आपने गुरुजी को पिटवा भी दिया, अब आप आगे क्या करने वाली हैं? भाई ये तो खेल है जो अभी अभी शुरू हुआ है और इस खेल के नेक्स्ट स्टेप को अंजाम देगा तू गुलगुले. मैं? पर चंद्रमुखी जी आप करने क्या वाली है? देखिए मैं यहाँ का सीनियर हूँ, मुझे पता होना चाहिए आप क्या करिए. कहीं आप कानून को हाथ में तो नहीं ले रही? इव इस गुरु को मिलेगा इसका भी गुरु, जो करेगा इसका मुश्किल जीना और लेगा इसी से